क्रेजी भाई, क्रेजी एक्सपीरियंस। पूरी पंचाचुली अब कवर हो गई, ऑलमोस्ट क्लाउड है इससे, ये स्नोफॉल हो रहा है। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट इन द कैमरा और नॉट, बट व्हाट अ प्लेस मैन, व्हाट अ प्लेस टू बी। मज़ा आ गया। जो ऑटम कलर्स दिख रहे हैं अभी, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, अलग अलग ह्यूज हैं, एंड सामने सनराइज एंड क्लाउड्स ऐसे मूव कर रहे हैं। रंज भाई आराम से चलो, शुरू में पेस तेज रहती है, बाद में फट जाएगी। स्लो जाओ पर सेम पेस से जाओ, रिदम बना लो अपने पैरों की, पैरों की और सांसों की। मेरी स्टेप्स काउंट कर। तो कल वाले इंसिडेंट के बाद 2 बजे सोए, इन्होंने मेरा मन करवा दिया कि नहीं जाना, तो भाई मैंने मन बना लिया कि नहीं जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, आज हम बैठे हुए हैं जहाँ से स्टार्ट होता है ट्रैक, गेट पे वहाँ कैफे, वहाँ बैठ के चिल कर रहे हैं, खा रहे हैं, शूट वूट हो गया। ये बोलते जा तो सकते हैं, 3:30 पे हमारा मन बना, 10 मिनट में हमने सामान उठाया, टेंट वगैरह नीचे छोड़ा, क्योंकि परमिशन का चक्कर होता, वो मैं बताऊंगा, वो गाइडी वीडियो आएगी, कमेंट करके बता देना। ठंडी हवा से मेरी जीभ थोड़ी ढंग से मुंह नहीं करी, सॉरी अबाउट दैट। तो कुछ अलग अगर गलत सुने या कुछ गलत मुँह से निकल जाए तो इग्नोर करना, कमेंट मत करना। तो हमने स्टार्ट किया, ऊपर बात करी, रुकने का सीन क्या है, ईजी है, 900 रुपये में 3 लोगों को एक कमरा मिल रहा है। तो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर रुकेंगे, खाएंगे, पिएंगे, चिल करेंगे, सुबह सुबह सनराइज देखेंगे मस्त पंचाचुली पे। अब ट्रैक करें, सरांज भाई की थोड़ी तबीयत ढीली है, बाकी दिखाते हैं ट्रैक कैसे है। शॉर्टकट है ये, हाँ ले लो ये, ऐसे जा रहे हैं वो ऐसे चलते हैं। यार आलू भुजिया खा ली तुमने ज्यादा। हाँ पगडंडी, पगडंडी हाँ, क्योंकि उन्होंने बना रखी है, मतलब ये रास्ता जा ही कहीं रहे ना, तभी तो पगडंडी बनाई गई थी। सो यार फर्स्ट ब्रेक हमने लिया है 25 मिनट के बाद, सारांश भाई उनको ट्रैक की आदत नहीं है तो उनको एक्सपीरियंस करना था, एंड लंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, एंड ऑब्वियस बात है मैं सबने वेट गेन किया, हमने भी किया है, तो धीरे धीरे जा रहे हैं। वैसे 2 घंटे लगने हैं मैक्स, 25 मिनट तो हो गए हैं, लाइट अभी सही है। बात ऐसी है, सुबह 7 बजे से बादल है तो हमको कोई नज़ारों का लालच नहीं है, क्योंकि भाई बादल ही मिलने हैं ऊपर पहुँच के भी। टारगेट इज कि सुबह भाई सुबह ऊपर KMEN से ऊपर निकलना है और खलिया के वहाँ पे सनराइज देखना है, वो ज़रूरी है, वो शॉट चाहिए ही चाहिए। 2 गड़बड़ हो सकती हैं, या तो हम नहीं उठेंगे या सुबह की तरह गंदे बादल आ जाएंगे तो वो मिस हो जाएगा, तो जो रहेगा वो बताएंगे। अभी ट्रैक का आनंद लो, ये हमारे सारांज भाई हैं, ये हंस रहे हैं बट वैसे बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट करते हैं, चलो तो यार ट्रैक ना एक्चुअली टफ नहीं है, मतलब लंबा भी नहीं है, टफ भी नहीं है, बट कुछ सेक्शंस है जो स्टीप है, जो डायरेक्ट स्टेप्स की तरह, मतलब स्टेज टाइप, जैसे आप देख सकते हो इस टाइप से रास्ता पूरा बन रखा है, कोई गाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो होता क्या है, अगर आप फिट नहीं हो, आपको कार्डियो की प्रैक्टिस नहीं है, या फिर आप स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, तो यूजुअली लंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है आपकी, तो उसमें आपको इशू आ जाता है, तो आपको मतलब दिक्कत होगी। फिर जैसे भी हमने लेट स्टार्ट किया तो ठंडी हवा बहुत ज़्यादा, ये जो ठंडी हवा होती है ना ये गले में लगती है,
नाक में भी इशू देती है, फिर ठंडी हवा लगती है, पसीने आ रहे, तो थोड़ा इशू आ सकता है। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा ये मेरे वाले काम मत करना कि आप लेट स्टार्ट करें, ऑलवेज स्टार्ट योर टेक अर्ली। एंड उसके अलावा यार यही है कि अगर आपको सिगरेट वगैरह ये सब की आदत है तो प्लीज़ मतलब क्विट कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। मतलब बाकी आप कम करो, कार्डियो पे फोकस करो, सो दैट आपको इशू ना आए, मतलब आप जितना हो सके। बाकी वार्म वाटर साथ कैरी करो, हम तो नहीं कैरी करें क्योंकि हमारा ऐसे प्लान बन गया था तो हम ठंडा ही पानी है। बाकी ठीक ऐसे ही है, छोटे छोटे ब्रेक्स लो, लंबे ब्रेक्स कभी नहीं लेने चाहिए। हमारा हो गया, मेरा अभी क्या कहते हैं टाइम देख लो, मेरे को अराउंड 1 आवर कुछ हुआ है, उसमें पहला सिटिंग ब्रेक लिया मैंने, देखते हैं सीधे ऊपर देखेंगे बैठने का। बाकी देखो ट्रैक, अभी देख सकते होगे मेरे फेस पे क्या ग्लो आ रहा है गोल्डन आर का। पीछे ऑटम कलर्स हैं, येलो ऑरेंजिश ग्रीनिश टिंट्स हैं अलग अलग। सामने बिल्कुल अचानक से हम चढ़ते चढ़ते एक ऐसा पगडंडी पे पार्ट आता है जब ओपन हो जाता है बिल्कुल, पेड़ों के बीच से क्लाउड्स दिख रहे हैं और क्या मस्त लाइट आ रही है। फिर से तुम लोग नोटिस कर सकते हो कि मेरे फेस पे अलग ही ग्लो है, यह गोल्डन लाइट का, और सामने जो नज़ारा है, मतलब भाई फोन तो जस्टिस कर नहीं सकता ना ये गोप्रो कर सकता। तो अभी 2 मिनट का ब्रेक लिया, जल्दी से सारांश भाई का कैनन निकाला, जूम करके और वाइड वगैरह सब करके शॉट्स निकाल लिए, बेस्ट वाले शॉट्स को अभी क्यों इन करूँगा, और देखो और मतलब प्यार हो जाएगा भाई, इतने सुंदर शॉट्स, इतने प्यारे शॉट्स, मतलब वही तो हमको पास में लगे 2 घंटा 20 मिनट। ये हमारा रूम है, अलग अलग रूम्स हैं यहाँ पे, अलग अलग लेवल के, उसका बता देंगे, इन्फो गाइड बनाएंगे तो उसमें डिटेल बता देंगे। ये वाला है हमारा 1200 रुपये का, 3 बेड है देख सकते हो पीछे, 3 बेड है अपना, अटैच वॉशरूम है, इंग्लिश सीट है, वर्किंग जेट है, मतलब जेनुइनली अच्छा क्वालिटी रूम है। टेंट्स वगैरह भी अवेलेबल है, 600 रुपये में, 800-900 रुपये के भी हैं रूम्स, तो सही है। खाना लग रहा है, खाने का बताएंगे, अभी बॉन फायर चिल किया है। अब आई थिंक मूनराइज अब तक हुआ नहीं है तो मिल्की वे भी दिख सकती है, तो उसका अटेम्प्ट करेंगे, अगर आ गया कुछ तो टाइम लैप्स आ जाएगा, नहीं तो फोटोज दिख जाएंगे कि क्या है। चलो आप क्लिक करना स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो मैं चेक करता हूँ, कितनी रोटी आई? 6 भैया। लुक एट दिस व्यू गाइस, अभी टाइम हुआ है 5:35 एंड अभी हम निकलेंगे, वैसे तो 10 मिनट लेट है। एंड कलर्स दिखाते हैं, राइट साइड कलर्स आने लग गए हैं, सामने पंचाचूली है, बिल्कुल क्लियर क्रिस्प व्यू है, राइट साइड काफ़ी ज़्यादा क्लाउड्स हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा ये वाले क्लाउड्स हैं। अब सीन ऐसा है कि अराउंड 700-800 मीटर्स का जितना हमको लोकल्स ने बताया वो असेंड है, उसके बाद फिर आपका मेडो आ जाता है। तो हमारा एम खलिया टॉप या 0 पॉइंट नहीं, हमारा एम है मेडो पे पहुंच के शॉट्स निकालना एंड जस्ट होप टू गेट दैट ग्लो ऑन द मेन पीक। उसके अलावा अगर क्लाउड्स हैं तो एक टाइम लैप्स की मोमेंट निकल जाए। अभी वी आर स्टार्टिंग, सार्थक तो नहीं आ रहा, उसका थोड़ा घुटने का इशू है, सारांश भाई आ रहे हैं सरप्राइजिंग, बट हमारी डील है कि मैं उनके लिए नहीं रुकने वाला हूँ, तो अपना अपना पेस होगा। एंड अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको अंधेरे में कितना क्या दिखता है। बाय। This is why I do it. मतलब सुबह 5 बजे स्नोफॉल हुआ है, अभी 6:15 कुछ टाइम हुआ है, 5:30 बजे मैंने ट्रैक स्टार्ट किया
एंड इट इज बोन चिलिंग कोल्ड, मतलब भाई हड्डियों तक ठंड पहुंच रही है वो अंदर। एंड इवन दो आई एम वेयरिंग माय वार्मेस्ट जैकेट, ये -20 डिग्री सपोर्ट करती है, स्टिल इतनी गलत ठंड है, गलत बैठा हुआ है, जीप सुन हो रखी है, बट द व्यू इज वर्थ इट। मतलब अभी टॉप से ठीक पहले मैं रुक गया हूँ क्योंकि मॉर्निंग लाइट हिट कर चुकी है, जो पीक है अपना मेन पंचाचुली पीक है उसके बिल्कुल टिप पे हिट कर चुकी है। एंड इतना प्यारा व्यू है ये, इतना सुंदर व्यू है, अभी फोटो वीडियो जो भी जैसा निकलता है आई विल क्यूट इन, देखो एंजॉय करो। इट इज स्नोइंग, आई डोंट नो आपको कितना दिख रहा होगा, रुको मैं आपको क्लोजअप करके दिखाता हूँ अभी जैसे जैसे गिरेंगे। मतलब और क्या चाहिए था इस ट्रिप पे। सो गाइस, एज अ ट्रेडिशन हर एक ट्रैक के ऊपर पहुंच के मैं कुछ मीठा खाता हूँ, तो या तो बिस्किट लेके जाता हूँ या फिर मैं केक लेके जाता हूँ। अब की बार फैमिली पैक था, ये डेरी मिल्क का ये लिया था क्योंकि हम 3 लोग थे, बाकी लोग तो आए नहीं, मैं आया। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ भाई कि देखो चॉकलेट इज़ फॉर विनर्स, तो चॉकलेट खाते हैं। That's it all for today. इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं हम। अभी देख सकते हैं इधर से सन आ रहा है एंड आधा फेस बिल्कुल वार्म हो गया एंड थोड़ी थोड़ी स्नो गिर रही है, मज़ा आ रहा है यार काफ़ी। अब नीचे जाएंगे क्योंकि टाइम क्रंच है हमारा, नहीं तो 0 पॉइंट तक जाते। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करके बताओ, आई विल ट्राई टू मेक अ डेडिकेटेड गाइड वीडियो अबाउट दिस ट्रैक कि आप कैसे खुद से कर सकते हो, स्टे का है, ट्रैवल का है, चार्जेस का है, कैंपिंग का है, सब कुछ ही बताएंगे। बाकी एंजॉय करो यार, हैव अ ग्रेट डे, बाय।